सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल। एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी कुकिंग की 3 टिप्स है। पहली टिप्स, हम घर में ढोकला बनाते हैं। ढोकला बनाने के लिए चावल और चने की दाल का यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आटा हमारे पास होता नहीं और ढोकला खाने का मन है, तो हम ढोकला कैसे बनाएं? और वैसा ही जैसे चने और चावल के आटे से बनता है, तो हम चौकर का आटा लेंगे, जिसे गुजराती में लाडवा या लापसी का लोट बोलते हैं। ऐसे देखिए, एक गेहूं का जाड़ा लोट बोलते हैं। एक गेहूं का जाड़ा लोट जैसे लाडवा और लापसी का लोट बोलते हैं, ऐसे हिंदी में चौकर का आटा बोलते हैं। ये चौकर का आटा ऐसे ही आप ढोकले में जैसे दही को भिगोते हो, ऐसी तरह ही इसे दही से भिगो दो और 5-6 घंटे रखने के बाद इसमें सोडा और आपको जो मसाले पसंद है वो डाल के आप ढोकले उतारिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चावल और चने की दाल से ढोकले नहीं बने हैं, ये चौकर के आटे हैं, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। कुकिंग नंबर दूसरी टिप्स है। दूसरी टिप्स ये है कि हमारे घर में भिंडी की सब्जी बनती है, कभी कभी वो बच जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी बच जाती है, और ठंडी खाने में हमें बोरिंग लगता है, तो हम वो सब्जी थोड़ी गर्म करके इसमें नायलॉन सेव बारीक वाली आती है, वो बारीक वाली सेव ऊपर हम छिड़क देंगे और थोड़ी धनिया पत्ती छिड़क देंगे, तो एक नई सब्जी तैयार हो जाएगी और वो हमें स्वाद से भरी लगेगी। तो आप ये जरूर अजमाना। नंबर 3, हमारे घर में अदरक छीलते हैं और अदरक छीलने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं, तो आप ये छिलके को सुखा दीजिए। सुखाने के बाद हमारे घर में मसाला वाला दूध बनता है या चाय बनती है, तो वो छिलके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक वाली चाय बनाने जब भी चाहे तो वो छिलके अंदर हम डाल सकते हैं। दाल बनाते हैं अगर हम तुहर की, तो इसमें भी वो छिलके डाल सकते हैं, तो हमारे अदरक के छिलकों का यूज़ हो जाएगा और हमें सामने अदरक का जायका भी मिल जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।